नवरात्रों में होती है भगवान श्री कृष्ण की देवी के रूप में पूजा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जय माता दी। चैत्र के नवरात्रों में हर जगह दुर्गा माँ की पूजा होती है, लेकिन एक देवी ऐसी भी है जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में साची माँ भगवती की कथा आती है। यह देवी नंद गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव सांचोली नाम से विख्यात है। बताया जाता है एक बार भगवान श्री कृष्ण इस गाँव में अपनी सखी चंद्रावली से मिलने आते थे। जब भगवान श्री कृष्ण अपने घर पहुँचने में लेट हो गए, तब उनके माता पिता को उनकी चिंता होने लगी और गांव के एक शाखा से पूछा कि तूने कहीं लाला देखा है क्या? तो उसने बताया, हाँ माँ, मैंने देखा है, वे पास के ही गांव में गया हुआ है। तब भगवान श्री कृष्ण के माता पिता वहां पहुंचे, तब उन्होंने पूछा कि तुम यहां किसी मिलने आते हो? तो भगवान हैरान हो गई और सोचने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रावली को कहीं छुपा दिया और खुद भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रावली का रूप ले लिया और अपने माता पिता को उसके दर्शन कराए, तो एक अलौकिक छवि सामने नजर आई और जब इसे ही वहां पर साची माँ भगवती चंद्रावली नाम से यह पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने देवी का स्वरूप गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत दिव्य लीला का महाप्रसाद है, जो जनवरी सच्ची श्रद्धा व भक्ति के साथ इस दिव्य धाम की यात्रा कर माँ सांचोली के श्री चरणों में विनयान्वित हो किसी भी कामना पूर्ति के लिए संकल्प करता है और एक वर्ष तक अनवरत माँ सांचोली की पूजा आराधना करता है, उसका संकल्प पूर्ण हो जाता है। माँ सांचोली की कृपा से संतान की अभिलाषा वालों को संतान की, निर्धन को धन की, विद्यार्थियों को विद्या की, क्षत्रियों को बल की तथा ब्राह्मणों को विद्या व ज्ञान की प्राप्ति होती है। विशेषकर यह व्रत भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों का लाभ कराने वाला है। श्री कृष्ण के दर्शन पूजन से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उसे चारों पुरुषार्थों तथा सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यह पूर्णता का सुअवसर जीवन में तभी प्राप्त हो सकता है जब व्रती स्त्री या पुरुष, बालक या वृद्ध माँ सांचोली की कृपा प्राप्त कर लेता है। आज दज वाले दिन माँ के दर्शन कर लो करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। बस एक बार माँ की छवि के दर्शन हो जाएं और हम धन्य हो जाएं। जब हमने माँ के मंदिर के महंत दीनदयाल पाराशर से बात की तो उन्होंने बताया, मेरा नाम है दीनदयाल पाराशर, ये सांचोली देवी का मंदिर है जो नाम से ही अपने आप प्रख्यात है। सांचोली मतलब सांच वाली देवी का मंदिर। मैया का नाम तो चंद्रावली है, लेकिन ये सांच वाली देवी के नाम से प्रख्यात है, जो इस गांव का नाम भी है। ये अपने आप मान्यता आप खुद ही देख रहे होंगे कि इस भीड़ को देखते हो सांचोली देवी की कितनी बड़ी मान्यता है, क्योंकि पूरे ब्रिज मंडल की कुल देवी हैं। तो इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी से वो सिंपल है जी, ठाकुर जी का साक्षात स्वरूप है। हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान जी का साक्षात मैया का रूप ले करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। उनकी सखी थी एक चंद्रावली, उन्होंने उस युग काल में एक झूठ बोला था, उस झूठ को सत्य कृष्ण भगवान ने ये रूप लेके किया था। जब से मान्यता यहाँ पर उन्हीं की ठाकुर जी की पूजी जाती है जो देवी के रूप में है साक्षात। तो यहाँ पर मेला कब कब लगता है? मेला नवरात्रों में लगता है, क्वार के मेलों में और चैत के मेलों में। तो यहाँ पर जो भीड़ है कितनी भीड़ लोग हैं? देखो जी, आज तो दूसरा ही दिन है जो आप हाल देख रहे हो। असली मेला तो छठ और साते का ज़्यादा होता है। छठ की यहाँ पूरी रात मेला रहता है, पूरी गौरान मतलब कि पूरा ब्रज मंडल यहाँ पूरा आता है अपनी जात लगाने के लिए, किसी का मुंडन के लिए, किसी की शादी हुई है तो उसका जात के लिए, दर्शन के लिए, भीड़ के लिए आप कुछ नहीं कह सकते। कई लाखों में तादाद में लोग यहाँ आते हैं। जैसे यहाँ के मंत्री अपने तरुणा में कैबिनेट मंत्री हैं, तो वहाँ से कोई यहाँ पर दर्शन के लिए आया हो? कोई मंत्री जी बिल्कुल आते हैं जी, हर साल आते हैं, हर साल उनका यहाँ सहयोग रहता है, पूरा सहयोग रहता है, पूरी निगरानी में उनके में होता है, उनका बहुत सहयोग है यहाँ। कौन कौन आने की संभावना है? देखो संभावना तो यहाँ मंत्री जी तो है ही, उनका परिवार है, उनके छोटे भाई हैं एमएलसी साहब, लखन साहब हैं इनका नाम, वो तो यहाँ दिन में उनके चार चक्कर भी कम है, वो आते हैं लगाने के लिए, देख रेख के लिए, क्योंकि गांव उनका है तो सारी जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर है। और बाकी हम पुजारी होने के नाते, इस मंदिर के पुजारी होने के नाते, मेरा पूरा कर्तव्य है इसकी देख रेख, इसकी पूरी व्यवस्था को बनाए रखना हमारा काम है।